इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले सुर्खियां। कोरोना को लेकर और सख्त कदम उठाएगी हुकूमत, ताजिरों में डर का माहौल। ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन की हड़ताल आज भी जारी। बेलगाम से ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन के कायस चंद्रशेखर को डिहल्ली को बेलगाम में किया गिरफ्तार। सतीश जारकिहोली के लिए कांग्रेस कायद रंजीत सिंह सरजेवाला बेलगाम में, भाजपा उम्मीदवार मंगलांगड़ी की शहर में चुनाव रैली। मझगांव में दो सगे भाइयों की कुएं में डूबकर मौत। बेलगाम मुस्लिम लीग की जानिब से स्कूली बच्चों में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग। आज से बेलगाम से पैसेंजर रेल का सफर जारी। और आखिर में स्वामी नरसिम्हानंद की तौहीन आमोज अल्फाजों के खिलाफ बेलगाम में मुस्लिम नौजवानों का नोटा करने का ऐलान। खबरों को तफसील से बयान करने से पहले आज का अहम मौजू। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि अब हर एक को जबरन टीका दिया जाएगा। एक बार फिर कोरोना मरीजों को लेकर लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं या बनाए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन ही कोरोना का वाइज हाल है? अब इस पर भी मुख्तलिफ राय आवाम की जानिब से और अब इल्मी माहिरीन की जानिब से भी देखने सुनने में मिल रहे। पहले तो वैक्सीनेशन पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ ने तो इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ते हुए दुनिया पर कंट्रोल करने की साजिश बताई, तो इसे कईयों ने दज्जाली फितने से भी जोड़ा। कुछ ने तो इसे महज फ्लू को नया नाम देकर दुनिया में डर खौफ के बाजार से इख्तदार की जंग कहा। कहने को बहुत कुछ, लोगों ने बहुत कुछ कहा। अब भारत में फिर से तारीखी मरीजों का आंकड़ा पार तो किया है और साथ में मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह पिछले लॉकडाउन में आम इंसानों की कमर तोड़ रखी थी, दोबारा फिर से लॉकडाउन का काला साया मंडराते हुए नजर आ रहा है। उन दिनों का सामना करने की कुव्वत अब अवाम में, ताजिरों में नहीं है। लिहाजा किसी तरह लॉकडाउन न किया जाए और ना ही रात के कर्फ्यू का ऐलान करें, ऐसा मुतालबा मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ चरों में जारी है। इन तमाम मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली के एम्स की वारदात सोचने पर मजबूर करने वाली तो है ही, पर वैक्सीन पर भी सवाल करने वालों को मौका फराहम हो जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तकरीबन 35 से भी ज्यादा डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव होने से एक तरह कोहराम मचा हुआ। ताज्जुब तो इस बात पर है कि तमाम डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे। मामला महज यहां तक नहीं रुका, बल्कि हासिल इत्तला के मुताबिक दिल्ली के ही गंगाराम हॉस्पिटल से तकरीबन 40 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यहां तक इत्तला हासिल हुई है कि कोरोना के दोनों डोज लेने के बावजूद भी मरीजों की मौत भी हुई। अब इस पर सिर्फ दिल्ली हुकूमत बल्कि पूरे मुल्क में आखिर क्या किया जाए, इस पर तबादले ख्याल किया जा रहा। कई इल्मी माहिरीन ने इसके लिए मोदी को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, क्योंकि जहां भी चुनाव रहते हैं वहां टेस्टिंग बिल्कुल न के बराबर की जा रही है, जिससे मरीजों का पता नहीं चलता। लिहाजा इतनी टेस्टिंग ज्यादा, उतने पॉजिटिव मरीज ज्यादा पाए जाते हैं। खुद अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों की भीड़ जमा करके आज भी चुनावी जुलूसों को खिताब फरमा रहे हैं, पर देश के लिए कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं इसका एहसास इन्हें नहीं हो रहा। इन्हीं चुनावी इजलासों से आकर मन की बात कही जाती है और कोरोना कितना खतरनाक है इस पर वजीर आजम मोदी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी करते दिखाई देते हैं। जब वैक्सीन की कमी को मुल्क में महसूस किया जा रहा है तो मोदी हुकूमत में पड़ोसी के हुकूक अदा करने का जज्बा जाग गया और पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन भेजने का फैसला लिया गया। इस पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि भारत में भी वैक्सीन की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम की फिक्र देश के वजीर आजम को लगी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर फिर लॉकडाउन किया गया तो देश की मईशत फिर से चरमरा जाएगी, देश में एक तरह का आपातकाल लग जाएगा। कारोबार, तिजारत, फैक्ट्रियां वैसे भी आखिरी सांस ले रही है। निजीकरण, बेरोजगारी, गरीबी, कृत्रिम मईशत बंद होते स्कूल, बार बार स्कूलों को बंद करने से बच्चों को इल्म को हासिल करने का घटता शौक, आखिर आने वाला भारत कैसा होगा? इसी में हिंदू मुस्लिम की सियासत सामने यकीनन घनघोर अंधेरा नजर आ रहा है। तमाम कंपनियों को तो बेच ही दिया है, अब मुल्क एक तरह से सरमायेदारों के हाथों में चला गया, सरकारी कुछ नहीं रहा। इसके बावजूद आज भी मोदी हुकूमत पर सवाल करने वालों को देश विरोधी कहा जा रहा है। वैक्सीनेशन की मुहिम के बाद के असरात और मुल्क के हालात पर संजीदगी से सोचना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वक्ती मसला नहीं है बल्कि आने वाली नस्ल भी इससे मुतासिर होगी, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे।
कोरोना मरीजों में इजाफे को लेकर चुनाव के बाद सख्त इकदाम उठा सकती है रियासती हुकूमत। वैसे रियासत के मुख्तलिफ शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नए मरीजों के साथ दो की मौत बेलगाम शहर और अतराफ में होने की इत्तला हासिल हुई है। कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने की बुनियाद पर सियासी पार्टियों को जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कोरोना हिदायत पर कोई अमल करता दिखाई नहीं दे रहा। कुल 15,000 के करीब जुर्माना इन सियासी पार्टियों को लगाया गया है। पर आवाम की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहां करोड़ों रुपए इस सियासत पर चुनावी रैलियों पर और इस चुनावी मुहिम में खर्चा किए जाते हैं, वहां 15,000 रुपए का जुर्माना क्या मायने रखता है। लिहाजा दूसरे रियासतों में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। बेलगाम से कोल्हापुर या कोल्हापुर से बेलगाम या महाराष्ट्र में दाखिल होने वालों पर अब किसी तरह के स्वैब टेस्टिंग या नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा गोवा या महाराष्ट्र में दाखिल होने या कर्नाटक में दाखिल होने पर भी जिन पाबंदियों को ऐड किया गया था उन्हें हटा लिया गया है। छठे पे कमीशन की मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी है। आज एक और अहम वारदात बेलगाम शहर में पेश आई। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन के सदर जिन्होंने बेलगाम ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन के हड़ताल में शरीक होने आए थे, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन के सदर को डेहली चंद्रशेखर को बेलगाम से गिरफ्तार किया गया, जिस पर उन्होंने रियासती हुकूमत किस कदर जुल्म ज्यादती कर रही है बताया। कांग्रेस का डीके शिवकुमार ने इंसानी हुकूक को किस तरह पामाल करते हुए भाजपा हुकूमत इन्हें पैरों तले रौंद रही है बताया। ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन के कायद की गिरफ्तारी यानी इंसानी आजादी का गला घोंटने के बराबर है, ये भी कहा कुडेल चंद्रशेखर ने। ट्रांसपोर्ट मुलाजिम शिव कुमार निलसगार, जिसने कल खुदकुशी की थी, सौंदत्ति के घर जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की और घर वालों से बात की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि येडियुरप्पा हुकूमत से डरने की कोई बात नहीं है और खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत नोटिस देकर मुलाजिमीन को डराने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर ने ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन को कहा कि हमसे हुकूमत की जानिब से नाइंसाफी की जा रही है, धमकी कानूनी कार्रवाई से डराने की जरूरत नहीं, हुकूमत ने किसी तरह बात ना मानने की भी बात कही है। येडियुरप्पा ने यह भी कहा कि हम इनकी जो छठे पे कमीशन की बात है इसे नहीं कबूल करेंगे। कुल मिलाकर बसों के बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का एक रंजीत सिंह सुरजेवाला की आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेलगाम में आमद हुई और साफियों से खताब फरमाते हुए कहा कि भाजपा हुकूमत ने देश की आवाम को कहीं का ना छोड़ा, आवाम अब तब्दीली चाहती है। इसी तरह से कांग्रेस कायद और साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने बैलोंगल में आवामी इजलास को खताब फरमाते हुए येडियुरप्पा हुकूमत की नाकामी की दास्तान बयान फरमाई। उधर मंगला अंगड़ी ने बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपना चुनावी इजलासों का एहतमाम किया। अंजनेय नगर में वोटरों से मुलाकात फरमाकर भाजपा को जिताने की मांग की। मझगांव में दो सगे भाइयों के कुएं में डूबकर मौत हुई। इस वाकये से मझगांव में गम का माहौल रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर फिर से स्कूलों को छुट्टी दी गई है, लिहाजा अपने घर के इहाते में दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे। उस वक्त बॉल कुएं में जाकर गिरी। बॉल को लेने के लिए जैसे ही कुएं पर पुरानी लोहे की जाली पर चढ़ा तो जाली टूटकर सीधे वो पानी में जा गिरा। भाई को बचाने के लिए आकाश ने भी रस्सी के सहारे कोशिश की, पर दूसरे भाई की भी इसी पानी में डूबकर मौत हुई। हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया और गम का माहौल रहा। वाकई जिन वालिदैन के बच्चे इस तरह मौत के आगोश में चले जाते हैं तो क्या दिल पर बीती होगी, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दोनों भाइयों की लाशों को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम भेज दिया गया। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से स्कूल के बच्चों को पैरामेडिकल ट्रेनिंग दी गई। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना का दौर जारी है और अब दूसरी लहर के इम्कान का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा मुस्लिम लीग की जानिब से 9वीं-10वीं के बच्चों में तिब्बी इलाज पर पैरामेडिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से बाशीबंद स्कूल के अंदर SSLC के बच्चों को और 9th के बच्चों को पैरामेडिकल ट्रेनिंग दे, पैरामेडिक की ट्रेनिंग दे, जिसमें जैसा शुगर कैसा टेस्ट करना, बीपी कैसा टेस्ट करना और तुम्हारा ये कोविड के क्या सिम्टम्स होते हैं और जो बुखार हुआ, ज़ुकाम हुआ तो उसमें पैरासीटामोल ऐसे छोटे दवाई लेने के लिए हम ये डॉक्टर एजाज और डॉक्टर गणेश करके आके उन्होंने बाशीबंद स्कूल में ट्रेनिंग दिए। और
मुस्लिम लीग हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो कोविड की वबा है, कोरोना की जो वबा है, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। अल्लाह इससे हिफाजत करे सबकी। लेकिन इसका एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए भी ये करना, क्योंकि हमारा पिछले बार जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिस करते थे, वो डॉक्टर्स जो है ये मेडिकल के ये कोरोना की वबा के हिसाब से वो बंद करके लॉकडाउन में वो चले गए थे, तो बहुत सारे लोगों को दवाई नहीं मिली। कोरोना के लिए सिविल हॉस्पिटल है और बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेकिन छोटे छोटे जो बीमारी होती है, खांसी ज़ुकाम और ऐसे जो जो बीमारी होती है, इसकी इलाज के लिए डॉक्टर्स भी नहीं रहते और एक नए दवाई भी नहीं मिलती। तो इस जानिब से एक नए मुस्लिम लीग की जानिब से ये जो स्कूल के अंदर जो है एक छोटा एक ट्रेनिंग कैंप करे, और मेरी आवाम से अपील है कि और भी ऐसे कैंप्स इतने दूसरे इलाकों में भी हो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े भी लोग और औरतें भी इतने इसमें शिरकत हो, ताकि इतने जो डॉक्टर्स के ऊपर है एक 15-20% लोड कम हो सके, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे, क्योंकि हमें अभी जो टीवी में जो देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में बहुत सारे लोगों मुतासिर हुए हैं और उनका बहुत बेदर्दी से ये हो रहा है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो ये मन से हमारा एक ना एक पैरामेडिक ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया था, और इसकी वजह से हम एक नए मुस्लिम लीग तो इसके अंदर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई महीनों से बंद पैसेंजर रेल का सफर फिर से शुरू किया गया। पिछले एक साल से कोरोना के मद्देनजर रेल को बंद किया गया था, लिहाजा बेलगाम शेडबाड़ पैसेंजर रेल को शुरू किया गया था। वैसे बेलगाम मिरज रेल को अब फिलहाल शेडबाड़ तक ही जारी रखा गया है। बेलगाम से हुबली शेडबाड़, इस तरह कुल 3 पैसेंजर रेलों को बेलगाम से शुरू किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।